जी सर, कहाँ आपका जो काफिला कहाँ तक पहुँच गया, आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये फतेहगढ़ साहब में खड़े हैं। कस्बा कौन सा है? साधुगढ़ यहाँ है, तो फतेहगढ़ साधुगढ़ में यहाँ खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पर पड़ाव करेंगे, तो यहाँ पर सभी यूनियन, जैसे हमारे सब किसान मोर्चा के जो हमारे आगे फनेड़ी साहब भी आए हैं, लोंगोवाल साहब हैं, राय साहब हमारे यूनियन के सीनियर लीडर्स हैं, तो उन्होंने जायजा लिया जो एसकेएम हमारी जो किसान मजदूर मोर्चा ने बनी हुई है। तो यहाँ पर हम पड़ाव करेंगे, सभी अपनी अपनी जगह पड़ाव करें, तो यहाँ पर स्टे करेंगे। आगे की रणनीति क्या, मीटिंग जो आपने भी मीटिंग की हो, क्या आगे की रणनीति क्या? देखिए, एक तो मीटिंग भी होनी है, एक तो ये सबका दो बड़े प्लेटफॉर्म है, उनका सब यूनियन का मिलकर निर्णय होगा। तो मीटिंग के बाद जो पूरी देश की 200 यूनियन है उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, उनके बाद ही कोई निर्णय कह सकते हैं। तो मीटिंग के बाद ही अगला पड़ाव होगा? हाँ, देखिए, मीटिंग के बाद ही है। अगर सरकार कोई, जैसे हमने आशा, मैंने बोला भी, अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी कोशिश करें तो ये देश के किसान मजदूर से, जैसे 75 साल होते हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात कर, उसको कोई कैसा करे, कोई नोटिफिकेशन हो, कुछ इस तरह के हो, उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है C2+50%, उसके हिसाब से हमें दाम मिले फसलों के। हम कहते गन्ने के ऊपर C2 100 का दाम मिले, एक साल की फसल, अभी पत्रकार पूछ रहे थे क्या है C2 50 का, मतलब जितना हमारा लागत खर्चा उसमें 50% मुनाफा दें, और C2 100 का मतलब गन्ने की फसल एक साल की है उसके 100 बनता। तो ये बातें हैं, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने की सवाल है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ, देखिए अभी एक महीना रह गया, मोदी जी चाहे तो किसान मजदूर का दिल जीत सकते हैं, अगर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जाए तो लोगों के हृदय ठंडे हो जाएंगे, ये 120B के दोषी हैं तो उनके उन्होंने मंत्रिमंडल में क्यों रखा है। जैसे सभी अब चंडीगढ़ और दिल्ली में इतने बड़े केस डाले गए, उनको वापस लेने का सवाल है, बिजली संशोधन बिल का सवाल है, पॉल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालने का सवाल है, तो किसान, और हमने तो मजदूरों की मांगे भी, नरेगा भी इसमें शामिल किया, भी 200 दिन नरेगा दी जाए, उसकी दिहाड़ी जो है 700 रुपया हो, और जो फसल बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे, ठीक है, जो 60 साल का किसान खेत मजदूर है उसको 10,000 प्रति माह रुपए मिलने चाहिए, विश्वपाल संस्था से खेती को बाहर निकालना चाहिए, तो इस तरह की हमारी टोटल मांग, उसके ऊपर देखते क्या निर्णय होता है। तो आ रही है ट्रालियां भाई, अर्जन अर्जन आ गया भाई, आ यूथ भाई, नानियां बिल्कुल लाहौर के नेड़े हो गई, इन्हां दे कोठियां तो लाहौर नेड़े दी दावा, उसको आ रहा पिंड भाई, शाबाश है भाई, शेरो आ रहा काफला भाई, शेर कर दो, हौसला अफजाई कर दो, अजय काफला मुगानी आ ना ही भाई, नवा डर रहा भाई, ना ना अपना डर बचावा, जॉन डियर भाई, जॉन डियर चल रहा, शाबाश है शेरो, और पंजाब वाले, पंजाब के नौजवानों, तोड़े सर पे लाइए भाई, आप काफला देखिए, ट्रकों का लगातार बढ़ रहा है, आप सभी से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जरूर देखें, सम्राज 855 चल रहा भाई, ये सम्राज 855 है, ये पहुंच सके भाई, मिंद्रा मीडिया तो गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रहा है, पर आप लोग जरूर अजय देखते जाओ, अजय सानू वेच कंसला पाना वा लाइव ओके रवाना होना वा, अजय दूजी लाइन अभी रोकी हुई है जी, इधर पास खड़ी आ, आप भाई 855 अर्जन भाई, अर्जन 855 फिर कर दो वक्त तो वाद भाई, बस 20,000 रुपये ला रही है नप के, शाबाश है भाई, महिंद्रा 575 भाई, आ चले रहे महिंद्रा 575 भाई, आंदोलन बनाता तुसी, आंदोलन बनाता उन्ना खोके बुद्धिजीवियों के हौसले पस्त करते, जो लगता आंदोलन खड़ा नहीं होना, यह भरा थोड़ी देने आ खड़ा करता आंदोलन तुसी भाई, शाबाश है भाई,